दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज में कितना फ्यूल डाला गया और ये जहाज पाकिस्तान में कहां से आया और कहां गया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, PSO के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाज में 2,25,000 लीटर फ्यूल डाला गया। जिन फ्यूल टैंकर्स की मदद से इस कार्गो जहाज में फ्यूल भरा जा रहा था, वो फ्यूल टैंकर्स तकरीबन 8 दफा ट्रिप हुए। इस दो हैकल जहाज में फ्यूल भरते हुए PSO को तकरीबन 3 घंटे से जायद का वक्त लगा। Antonov AN-225 काबुल के रास्ते पाकिस्तान के शहर कराची पहुंचा। पाकिस्तान में 21 घंटे रुकने के बाद ये दो हैकल कार्गो जहाज यूक्रेन के लिए रवाना हो गया। आपको ये भी बताते चलें कि ये कार्गो जहाज सबसे पहली दफा चेन्नई एयरपोर्ट पर आया था। 6 टर्बोफैन इंजन वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है और इस कार्गो जहाज का वजन 600 टन है। इस जहाज को 1988 में बनाया गया था। इस जहाज का शुमार दुनिया के सबसे बड़े जहाजों के लिस्ट में पहले नंबर पर है और यही वजह है कि इस जहाज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस जहाज के 6 इंजन हैं जो इसके परों पर लगाए गए हैं, जबकि जहाज के पहियों की तादाद 32 है और इस दो हैकल जहाज को बने हुए 30 साल का अरसा गुजर चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस वक्त पर पहुंचती रहें।